ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन 3 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो इसका ये मतलब है कि मैग्निफिकेशन 3 का ये मतलब होता है कि इमेज की इमेज जो होगी, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू पुट करी 3, तो एच आई की वैल्यू एच इंटू एच ओ उधर जाकर 3 मल्टीप्लाई में चला गया 3 इंटू एच ओ। 2 वैल्यू पुट करी एच की एच ओ की, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ आना चाहिए आपको, रफ कर दो ये। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसको डिफाइन करने का ये तरीका है, या तो इस तरह से डिफाइन करें या इस तरह से डिफाइन करें। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होता है, रेशियो का मतलब होता है 1/1 ऊपर 1 नीचे, एक डिनोमिनेटर में 1 न्यूमरेटर में। ठीक है, तो या दूसरा डिफाइन करने का तरीका क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है तरीका। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं डिफाइन। इमेज फॉर्मेशन, वैसे इमेज में मिरर इमेज फॉर्मेशन में वैसे मैंने आपको डिफाइन करके लिखवाया भी था, बताया भी था। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर भी चलती है मैग्निफिकेशन की। ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में करेक्शन होता है, वहाँ पर यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है। ठीक है, रफ कर दिए। हम बात करते हैं पावर्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पावर, पावर ऑफ ए लेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, लेंस की पावर के बारे में पढ़ते हैं। आप सबने देखा होगा जैसे किसी के गूगल बनते हैं आइज करेक्शन के, तो उसमें कुछ नंबर दिया जाता है, उसमें कुछ नंबर दिया जाता है कि उस नंबर के चश्मे हैं या उस नंबर के गूगल हैं, है ना, इस तरह से कुछ बोला जाता है। तो बेसिकली जो वो जो नंबर होता है वही उस लेंस की पावर होती है, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। इसको भी डिफाइन करने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल और आसान लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो पावर जो होता है वो होता है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ। कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिप्रोकल है, तो क्या लिख सकते हैं, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस। डोंट गेट कन्फ्यूज योर सेल्फ, पावर ऑफ ए लेंस। पावर इलेक्ट्रिसिटी में भी आप पढ़ चुके हैं, तो वो पावर नहीं है पे। तो क्वेश्चन भी ऐसा कभी नहीं आएगा कि पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर में आपको कन्फ्यूजन हो कि इलेक्ट्रिकल पावर है कि लेंस की पावर है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब क्वेश्चन ये उठता है, रियल में होती क्या है, क्या होता है ये? चलो फोकल लेंथ तो बता दें कि हाँ रेसिप्रोकल होता है, बट रियल में क्या होता है, व्हाट द मीन्स ऑफ दिस? तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी लेंस, आपको बता चुका हूं मैं, एक लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए उस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्योंकि कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, स्प्लिट करता है, इसलिए उस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, पावर भी उसी से रिलेटेड है। पावर बेसिकली लेंस में हमें यह बताती है कि कोई भी लेंस कितना ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, कोई भी लेंस कितना ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है। पावर ऑफ ए लेंस इज द कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्जिंग टू द इमेज।
किसी भी कोई भी लेंस क्या बताता है कि कोई भी इमेज को लेंस कितना डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, इसका ये मतलब होता है। एग्जाम्पल्स के लिए किसी ने कहा पावर दो, पावर मेरे लेंस जो मेरी जो आइज में किसी के लेंस लगा वो बोलेंगे मेरी जो लेंस की पावर है वो दो है। इसका ये मतलब है कि जो लेंस होता है वो उसकी जो डाइवर्जिंग पावर है वो टू टाइम्स है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ये समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन तो मान लेते हैं, लेकिन रियल में जो डेफिनेशन है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस इज द कैपेसिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द इमेज। ये रियल डेफिनेशन होती है इसकी, जो फील करने वाली, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है तक? तो ये तो डेफिनेशन थी। हम बात करते हैं पावर को हम किससे नोट करते हैं, तो पावर को हम पी से नोट करते हैं, कैपिटल पी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसकी यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला पहले हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा एफ बराबर पी बराबर वन अपॉन एफ। एफ क्या होती है, फोकल लेंथ, जो कि डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की। ये किस में होती है, या तो सेंटीमीटर में होती है, या ये मीटर में होती है, या ये मिलीमीटर में होती है। बट यहां पर जब भी हम पावर निकाल रहे होते हैं तो फोकल लेंथ को हमेशा, फोकल लेंथ शुड बी कैप्ट इन मीटर, याद रखना, इससे बहुत ज्यादा गलती होती है। फोकल लेंथ को 100% आपको मीटर में ही रखना है। जैसे ही आप इसको मीटर में रखते हैं तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन मीटर। और मीटर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में चला जाता है हमेशा, तो ये पी इक्वल टू हो जाएगा मीटर इनवर्स। इसका ये मतलब है पावर की यूनिट जो होती है ऐसा ही, जो पावर की यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स होती है, मीटर इनवर्स होती है। इस मीटर इनवर्स को एक नया नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर, जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर। तो यहां पे लिख देता हूं, मीटर इनवर्स इज ऑल्सो नोन एज डायोप्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है, समझ आया, ठीक है। दिस इज द ऑल अबाउट पावर ऑफ लेंस। इसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। इसको डिनोट करने के लिए पी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है लेंस की, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, पी इजिकल टू वन अपॉन एफ। फॉर्मूला जो होता है इसका क्या होता है, पी इजिकल टू वन अपॉन एफ। एफ की वैल्यू हमेशा मीटर में होनी चाहिए। क्लियर है तक? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि वन डायोप्टर कैसे डिफाइन करेंगे आप। और क्वेश्चन ये आता है, डिफाइन वन डायोप्टर। डायोप्टर को हम डी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वन डी। इसका बताइए मतलब क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन द वन डायोप्टर। तो जैसा आप पहले फॉर्मुलो में करते हैं, डायोप्टर और लिखा हुआ है और, ठीक है। तो वन डायोप्टर या वन डी, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहते हैं तो आप इस फॉर्मूले में एफ की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, ये किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। तो पावर वन कब आ सकती है, P इक्वल टू वन कब आ सकता है, जब F की वैल्यू वन हो। तो अगर F की वैल्यू, इसको मैं साफ करके दोबारा लिख देता हूं, रफ कर दूं इसको, तो फॉर्मूला हमारा होता है P इक्वल टू वन अपॉन F। इफ
फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर देन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 फैक्ट। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप फॉर्मूले से किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो सारी सभी चीजों की वैल्यू आप क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ लेंथ इज 1 डायोप्टर, पावर ऑफ लेंथ इज 1 डायोप्टर इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर। किसी भी चीज को अगर आप डिफाइन, किसी भी यूनिट को आप डिफाइन करते हैं तो फॉर्मूले में बाकी सबकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं सिवाय उसके जिसकी आप डेफिनेशन फाइंड कर रहे हैं। आपने पावर की 1 डायोप्टर की यूनिट फाइंड की तो आपने बाकी सब वैल्यू को एफ को वैल्यू पुट कर दिया, कितना आया पावर, 1 डायोप्टर आ गया। इस तरह से हमने उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर यहां तक, रफ कर दिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि पावर नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। अच्छा उससे पहले मुझे बताइए पावर किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे। पावर डिपेंड्स ओनली फोकल लेंथ। अगर मैं पूछूं आपसे फोकल लेंथ ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करती है तो पावर पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ फॉर्मूले में किसके भी थी, लेंस फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, बट फोकल लेंथ उन दोनों पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना। फोकल लेंथ डू नॉट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ डू नॉट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी, ना तो इमेज की पोजीशन पे डिपेंड करती है ना ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ सिर्फ डिपेंड करती है पावर ऑफ लेंस पे। या ये कहें कि पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। क्लियर यहां तक, ठीक है, रफ कर दिए। अच्छा पावर नेगेटिव है पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पावर इज नेगेटिव तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। पावर नेगेटिव कब आ सकती है, जब f की वैल्यू माइनस हो, माइनस में हो। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। ये इसलिए होता है क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इसको रफ कर दूं, ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस कैसी होती है, इज नेगेटिव कॉनकेव लेंस नेगेटिव। सो पावर ऑफ या नेगेटिव पावर मीन्स पावर इज नेगेटिव का क्या मतलब, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव सो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। सो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पावर का सीधा सा मतलब यह है कि नेगेटिव पावर फोकल लेंथ से आती है और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तभी पावर नेगेटिव होगी, और पावर नेगेटिव तभी होगी जब फोकल लेंथ नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, सिर्फ कॉनकेव लेंस की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव पावर है तो वो किस लेंस की पावर है, कॉनकेव लेंस की पावर है, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर पॉजिटिव पावर है, अगर पावर जो है वो पावर इज पॉजिटिव तो इसका क्या मतलब है, इसका भी वही मतलब है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव,
सो पी इज इक्वल टू वन अपॉन पॉजिटिव एफ, मतलब पावर भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है सो पावर शुड बी, पावर विल ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर आ तक? तो अगर पावर पॉजिटिव लेके आनी है तो आपको फोकल लेंथ भी पॉजिटिव लेनी है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की होती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है कि पावर इज प्लस वन डी, इसका क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब है कि पावर उसकी प्लस वन है, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन आई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेंस है, बताइए कौन से लेंस से इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, पावर निगेटिव दे रखी होगी या पावर पॉजिटिव दे रखी होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं हम अगर एक से ज्यादा लेंस लगे हो तो उसकी पावर कैसे निकलती है। टफ कर दिए? ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ अगर लेंस को कॉम्बिनेट कर दे तो उनकी पावर पे क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर हम लोग लेंस को कॉम्बिनेट करते हैं तो उन सब की फोकल लेंथ ऐड हो जाती है, उन सब की फोकल लेंथ ऐड होने का मतलब ये नहीं होता कि सबकी ऐड होती चले जाएंगी, 2+4+6+6 इस तरह से नहीं। हम हमेशा सभी फॉर्मूले में चाहे फोकल लेंथ रखें, चाहे ऑब्जेक्ट पोजीशन रखें, चाहे इमेज पोजीशन रखें, सबको विद साइन रखते हैं, ध्यान रखना। एग्जांपल्स के लिए मान लो हमने यहां पर दो लेंस बनाए, फिर से एक लेंस बना दिया, फिर से एक लेंस बना दिया, तो हम देखते हैं इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस है और दो कॉनकेव लेंस है। इसकी मान लो फोकल लेंथ 10 है, इसकी 15 है, इसकी 20 है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी मान लेते हैं 15 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जैसे ही होता है तो उनकी पावर सबकी ऐड हो जाती है, या कहें कि उसकी फोकल लेंथ सबकी ऐड हो जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10+15+20+15, ऐसा नहीं होता रियल में, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने बताया कि इस लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, इस लेंथ की पॉजिटिव होती है, इस लेंस की पॉजिटिव होती है और इसकी लेंस की, तो सबको विद साइन रखना है। इसका ये मतलब है कि इसको हम -10 रखेंगे, इसको हम +15 रखेंगे, इसको हम +20 रखेंगे, देन इसको हम -15 रखेंगे। इसका ये मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो अगर पावर की बात करें तो पावर का निकलाव कैसे होगा, लेंस लेट करते हैं सबकी पावर, मान लेते हैं इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P4 है, इसकी पावर P3 है, इसकी पावर P4 लेट करते हैं, तो टोटल पावर कितनी होगी? तो टोटल पावर इसका समेशन होता है, क्योंकि ये कैसी पावर जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में सभी क्वांटिटी को सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो जो पावर होगी इसकी कैसी होगी, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा P1+P2+P3+P4 जितने भी आपके पास है, मान लो n आपके पास लेंस लगे हुए हैं तो n लेंस तक की कर लेंगे सब। और हमें पावर का पता है, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो अगर पावर P1 है तो फोकल लेंथ, अगर पावर P2 है तो फोकल लेंथ F2 होगी, ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे, बट विद साइन रखेंगे, दोबारा बता रहा हूं विद साइन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर का, टोटल एफ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1/+1/F2+1/F3+1/F4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल पावर when more than one lenses are connected to each other।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लेंस। एनी क्वेश्चन? एफ कर दी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल दिखा दो, बुक दो बुक, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑफ करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, आपसे पावर पूछिए। तो सिंपल है, निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर, और लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है तो कैसी होगी पावर, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, पावर कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/f, इसकी वैल्यू माइनस में होगी तो 1/-2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 डायोप्टर माइनस में। ठीक है, समझ आए? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, रफ कर दिए, एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज से। पेज नंबर 186 पे क्वेश्चन नंबर 10 हाँ सुनिए, पेज नंबर 186 पे क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 180 ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले ध्यान देते हैं कि लेंस कौन सा है या मिरर कौन सा है। तो इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब किसकी लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ऑब्जेक्ट की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एच ओ से। लेंथ कहें, ऑब्जेक्ट का साइज कहें, ऑब्जेक्ट की हाइट कहें, मतलब सेम है, पोजिशन से नहीं, लेकिन पोजिशन को मत कंपेयर कर लेना, दोबारा बता रहा हूं। तो गिवन डेटा क्या है हमारा, जो एच ओ दे रखा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। दूसरा है हमें इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, उसको रखा गया है कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर, मतलब किसको रखा गया है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या बोलते हैं, यू, तो यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, अब क्वेश्चन ये उठता है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। तो आपको बताया था मैंने इसी लेक्चर में कि कन्वर्ज करने वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है, कौन सा करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब आगे वैल्यू दे रखी है इसमें, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आगे आपसे पूछा है रे डायग्राम ड्रॉ करना है आपसे, आपको पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, साइज फाइंड करना है, और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म करना है। ठीक है, क्लियर है तक, क्वेश्चन समझ आया ना। तो आगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें यू पता है एफ पता है, तो वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के, लेंस फॉर्मूला लगा के, तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है,
वैल्यू पुट करते हैं, 1/f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? अभी 10 मिनट पहले हमने पावर में पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/f, सॉरी u, u की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, तो 25 माइनस के। क्लियर यहां तक? 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 1/25, ये 1/25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 25 और 10 का 50 आ जाएगा, 50। नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, इससे उसको डिवाइड करके कितना आएगा 5, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई तो कितना आया 5, बीच में साइन माइनस का, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड तो 25 टू जा 50 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना इज इक्वल टू 1/v। 5 में से 2 गए 3/3 इज इक्वल टू 1/ और v इज इक्वल टू 50/ रेसिप्रोकल किया है, मल्टीप्लाई किया है, देखो 50 इज इक्वल टू 3v और v इज इक्वल टू 50/3, तो डिवाइड करते हैं कितना आता है 16.67 सेंटीमीटर। समझ आया? अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो v की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और पॉजिटिव का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट में, और राइट में जितनी भी इमेज फॉर्म्ड होती हैं उनका नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में किधर? राइट में। डायग्राम बना रहा हूं इधर, ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी थी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस 10, और यहां से यहां तक भी ये भी 10, ये भी 10, टोटल कितनी होगी यहां तक 20। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट 25 से भी इधर है। समझ आया नहीं है क्या बताना चाह रहा हूं मैं? यहां तक तो 20 है, यहां तक 10+10 20, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा है 25 पे, तो मतलब यहां से भी थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, लेट कर लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जब इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा हो तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड। नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका इमेज फॉर्म में, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं हम, यहाँ पर जब इमेज होती है ऑब्जेक्ट होता है तो सबसे पहले हम एक रे भेजते हैं पैरेलल, ये जाएगी कहाँ से होके ये चली गई, ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा हूँ 2f2, ये f2, एक रे को हम भेज रहे हैं यहाँ पर, कहां पर मिली है f2 एंड 2f2 के। अब बताइए इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल ये इन्वर्टेड बन रही है कि इरेक्ट बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल बनती है, तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड